गाइज अब हम देख लेते हैं एपरल स्टोर यहाँ पे यूनिक्स का है, कैसे कैसे कपड़े हैं। आप बहुत पूछते हो कि टी शर्ट कौन से लूँ, शॉर्ट्स कौन से लूँ, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे वैरायटी मिलती है हमें। आप देखोगे तो यहाँ पे रेड कलर की टी शर्ट है, रेड कलर की, ये सारे सेम कलर हैं, और आपको ये वाला कलर मिल जाता है, मतलब ये काफ़ी अच्छा कलर है। और इधर ग्रीन मिल जाता है आपको, और लास्ट में ब्लू और एक डार्क ग्रीन। ये भी कॉलर वाली सेम है, ये काफ़ी डिफरेंट कलर है, यूनिक कलर है, मतलब मैंने तो नहीं देखा ये क्रीम टाइप का कलर, और ये डिफरेंट साइजेस वगैरह। तो ट्रैक सूट में आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा, मतलब पिछले 2-3 साल से यूनिक्स बहुत ही कम वेरिएशन लाता है ट्रैक सूट में, लेकिन अब की बारी थोड़ी सी मेरे को वैरायटी दिख रही है ट्रैक सूट में। तो ये तो सेम कलर ही है यहाँ, ये वाला कलर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ये यूनिक्स से इंस्पायर्ड है, ग्रीन और ब्लू कलर होता है ये उस टाइप का ही है, और ये है ग्रे और ब्लैक कलर। मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला कलर, क्योंकि ये डिसेंट है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये इसका मटेरियल अलग है, टोटली डिफरेंट, अगर आप इसे देखोगे ध्यान से क्लोजअप से तो इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट टाइप्स है, इसका थोड़ा सा पॉलिएस्टर टाइप का था। एक बार प्राइसिंग देख लेते हैं, 2500 का पड़ जाएगा गाइज, भैया बता रहे हैं आके जल्दी खरीद लो। और एक ये कलर है, नीचे मैचिंग अगर आपको लेनी है ट्रैक पैंट तो आप वो भी ले सकते हो, जैसे नॉर्मल होते हैं सारे ट्रैक सूट। एक बार इसकी वैरायटी देख लो, वाली मिलती है आपको, और फिर ये भी डिसेंट है काफ़ी। ना पर्सनली यहाँ पे लिमिटेड एडिशन ढूंढने आया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा लिमिटेड, भैया कोई लिमिटेड एडिशन दिखाऊँ, देख लो भाई ये लिमिटेड एडिशन है। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो नहीं, ओ भाई मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। शुरू करते हैं क्या है यहाँ पे शूज के सेक्शन में, यहाँ पे सारे टॉप से बिगनर से लेकर टॉप तक सारे मॉडल रखे गए हैं यूनिक्स के। आप देखो तो ये कंफर्ट Z3 है, ये वाइट कलर में है, ये वाला कलर मैं खुद यूज करता था, तो अभी तो मैंने चेंज कर लिया शूज, लेकिन काफी अच्छा कलर है ये भी। ये वाला कलर 65ZM3 है, ये विक्टर एक्सेलसन यूज करता है, और ये न्यू कलर लग रहा है मेरे को, न्यू कलर है ना भैया। तो इसका कितना प्राइस है भैया न्यू कलर का? ये तीन कलर हैं, ये गाइज कैस्केड शूज हैं, बहुत बड़ा SHB 57 है गाइज, ये ऐसे टाइट हो जाएंगे। तो गाइज अब आ गए हम रैकेट वाले सेक्शन में, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे टॉप रेंज रैकेट है सारे। गाइज ये आपको 13,500 का देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप यूनिक स्टोर आते हो तो वहाँ पे बिलिंग काउंटर है, भीड़ लगी हुई है, मतलब स्टॉक आउट होने से पहले आप ले लो यार, बहुत डिमांड है यूनिक्स इसकी 100ZZ की रैकेट। अगर हम बात करें एस्ट्रोक्स 99 प्रो की, तो ये ममोटा यूज करता है इसे करंटली, ममोटा की फॉर्म खराब है वो मेरी दिक्कत है, पर यहाँ पे एस्ट्रोक्स 88S प्रो। तो ये रैकेट किसको लेना चाहिए, ये है डबल्स के लिए रैकेट बनाया है, स्किल बेस्ड, 11,000 रुपये का रैकेट देखने को मिलेगा आपको। ये है एस्ट्रोक्स 88D प्रो। अगर इस रैकेट की बात करूं तो ये हेड हैवी रैकेट आपको देखने को मिलेगा, अभी करंटली इसे कुलनावत यूज कर रहा है जो यूनिक्स स्पॉन्सर्ड है। मेरा फेवरेट सेक्शन अप्रैल का सेक्शन, मतलब मुझे हमेशा ढूंढता रहता हूं यार कौन सा लिमिटेड एडिशन मिल जाए, और आपको बायो में लिंक दे दूं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं तो आप वहां से जाके खरीद सकते हो। तो ये मॉडल में ये न्यू टी शर्ट है, और अगर वाइट शॉर्ट्स की बात करो इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है। और वुमेन सेक्शन में देखो तो आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा, नीचे स्कर्ट है, अगर कोई भी देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स तो आप यहाँ पे आके इसे जरूर खरीद सकते हो। अब हम आ गए हैं इंडिया ओपन के लिमिटेड एडिशन जोन में, यहाँ पे जितने भी आइटम देख रहे हो आप, चाहे बोतल ले लो या फिर आप बैकपैक लोगे, सारे लिमिटेड एडिशन है। किसी भी शॉप पे जाओगे तो आपको ये नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हो और इन्हें परचेज करते हो तो ये आपके लिए एक स्पेशल बन जाएगा आपकी कलेक्शन में। एक बार मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ अंदर से क्या है इसका, नॉर्मल बैकपैक है, आप अपनी स्टोरेज के लिए इसे यूज कर सकते हो, कोई भी टैबलेट वगैरह, फोन वगैरह, छोटा मोटा आइटम। बोतल का डिजाइन देखो तो यहाँ पे इस तरह का डिजाइन मिलेगा, स्टील वाली बोतल है सारी की सारी, मुझे नहीं पता है पेंट कितना ज्यादा ड्यूरेबल है, पर देखने में तो यार काफी अच्छी लग रही है। गाइस ये है यूनिक्स के मिनी बैग, आप देखोगे तो छोटा मोटा सामान रखने के लिए इसका दूसरा कलर है गाइस, और ये बैकपैक है छोटा सा ऐसे सामान ले जाने के लिए आपको। कोई बात करें टी शर्ट की, जो सात्विक चिराग ने अभी रिसेंटली पहनी हुई है तो ये वाली है। मैं पर्सनली बात करूं तो ये वाली टी शर्ट काफ़ी
अच्छी है। ये लिमिटेड एडिशन टी शर्ट है गाइज, अगर किसी को भी लेने हैं तो यहाँ पे आके ले, 1000 रुपए की टी शर्ट है गाइज, जिसको भी लेनी है यहाँ पे आके ले सकते हो। इसका दूसरा कलर ये वाला है, मुझे पर्सनली येलो वाला ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइज अब आ गए हम फेदर शटल कॉक्स में। जो भी प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो सारे फेदर शटल कॉक से खेलते हैं। अब देखोगे इधर स्ट्रिंगिंग सा पूरा बता रखा है, टेक्नोलॉजी वगैरह, कौन सी रिपल्शन में मैक्सिमम कंट्रोल देती है, कौन सी हार्ड फीलिंग है, पावर के लिए कौन सी है सॉफ्ट फीलिंग, किस कर रखे हैं एक एक स्ट्रिंग्स हर एक चीज। बात करूँ अगर बैकपैक की, तो ये न्यूली लॉन्च बैकपैक है सारे के सारे। यहाँ पे कलर आपको ये वाला मिलता है और ये और ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। एक बार देख लेते हैं इसको पहन के ये कैसा लग रहा है। तो गाइस बैकपैक कुछ इस तरह का दिखता है आपको। तो अगर हम बात करें किट बैग की, किट बैग में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कलर, और अब की बार ही तो मैं बताऊं आपको गाइस सचमुच में काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव डिज़ाइन है सारे के सारे किट बैग में। ये 3 zipper है, एक बार आप देख लो कितना ज़्यादा स्पेस मिलता है इस किट बैग में। वीआई किटिंग में क्या क्या स्पेस मिलते हैं, तो आपको इधर एक चेन मिल जाएगी और इधर आपको एक एरिया मिलेगा और इधर आपको कुछ रैकेट एरिया है, रैकेट कंपार्टमेंट है। यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 5 से 6 रैकेट आप आराम से रख सकते हो। और इधर एक यहाँ पे चेन मिलेगी, मतलब टोटल 1 2 3 4 चेन किट बैग हैं और यहाँ पे भी आप ना काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रीमियम किट बैग है अगर आप इसे देखोगे तो, हर जगह गोल्डन एक्सेंट से काम किया गया है इस किट बैग में। इधर गोल्डन ड्रैगन का डिज़ाइन है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे फायर कर रहा है। देखोगे तो इसकी चैन बिल्कुल सोने की है और ये भी सोने का है। अगर यहाँ पे टेक्निकल गुरु जी होता तो बहुत खुश हो जाता। किट बैग के कंपार्टमेंट की बात करें तो पहली चेन है, दूसरी चेन है, तीसरी चेन है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। मतलब वैसे अगर बात करो तो यहाँ पे शूज़ का पूरा डब्बा आ जाएगा और यहाँ पे और भी छोटा मोटा मटेरियल आप डाल सकते हो। नीचे की तरफ अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रैकेट एरिया, यहाँ पे शू बैग दे रखे हैं। यहाँ पे शू बैग आप इसे अंदर से एक्सेस कर सकते हो, बाहर से एक्सेस करने का भी है। यहाँ पे चेन अगर आप देखोगे इस एरिया में भी आप अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पर डाल सकते हैं। हाँ, वो कुछ बैग इस तरह का देखने को मिलेगा पूरा डिज़ाइन वगैरह। पे आ गए हम, बिल्कुल छोटा सा कोट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे और ये मॉडल वगैरह हैं। तो एक बार रैकेट दे के एक पोज तो दे ही देते हैं आप वीडियो के लिए, पोज दे के। बात करें तो यहाँ पे एस्ट्रोक्स अटैक 9 का पूरा शोकेस कर रखा है। मतलब यहाँ पे रैकेटों का पूरा बंच कलेक्शन, यहाँ पे मूविंग रैकेट देखने को मिल जाएगा वाइट कलर में, एस्ट्रोक्स अटैक 9। देखो तो एस्ट्रोक्स अटैक 9 के पूरा ऐसे बना रखे कि मतलब यही किंग है पूरे ही रैकेटों का। तो गाइस अगर आप यहाँ से पीछे बैकग्राउंड में देखो तो यहाँ पे आपको नैनो फ्लेयर 100Z देखने को मिलेगा, जिसे लक्ष्य सेन खेलता है और एक डबल प्लेयर भी खेलता है ताइवान का, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो एक बार आपको इसको लुक्स दिखा देता हूँ, ये ओवरऑल ये स्टॉल कैसा है। Even if we fall, we will rise up.